क्वांटम अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। बट क्वेश्चन यह है कि क्वांटम फिजिक्स में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में यह कर पाना पॉसिबल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर क्यों नहीं किया जा सकता है। क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम को साथ में अगर मेजर करने की कोशिश करें तो दोनों के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी रहती है। कभी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% सर्टेनिटी से मेजर नहीं किया जा सकता है। पोजीशन और मोमेंटम में इस अनसर्टेनिटी का मल्टीपल हमेशा h अपॉन 4π के इक्वल या ज़्यादा ही होगा। अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम की जाए तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, और अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करें तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कभी भी ये h अपॉन 4π से कम नहीं होगी। इसे h बार बाई 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां h बार मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट है। यहां अनसर्टेनिटी के लिए काम में लिया गया सिंबल डेल्टा स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। इस रिलेशन को बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि नेचर की सभी चीज़ें डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही टाइम पर पार्टिकल और वेव दोनों तरह से बिहेव करती है, जिसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि ऑब्जेक्ट के वेव और पार्टिकल बिहेवियर का मतलब क्या है। पार्टिकल का मतलब है किसी इंस्टेंट टाइम पर किसी एक सिंगल पोजिशन पर होना, जिसे ग्राफ पर आसानी से बताया जा सके कि पार्टिकल स्पेस में कहाँ है और कहाँ नहीं। वहीं वेव स्पेस में फैला हुआ डिस्टरबेंस है। वेव के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वेव की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। उन्हीं में से एक है वेवलेंथ, जो कि दो पीक्स या दो वैलीज के बीच का डिस्टेंस होती है। लेकिन पार्टिकल की तरह वेव में कोई सिंगल पोजीशन नहीं होती। वेव की हर एक पीक पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बताती है। इसके कई जगह पर होने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है। क्वांटम फिजिक्स में वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ उसके मोमेंटम से एसोसिएटेड होती है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। मोमेंटम, जो कि मास इंटू वेलोसिटी होती है, एक फास्ट मूविंग बॉडी या एक हैवी ऑब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होता है। इसका मतलब ऐसे बॉडी से एसोसिएटेड वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होगी। हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वेवलेंथ काफ़ी शॉर्ट होती है, जैसे कि टेनिस बॉल। एक टेनिस बॉल की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि डिटेक्ट भी ना हो पाए, जबकि स्मॉल चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑलमोस्ट नैनोमीटर ऑर्डर की होती है, लगभग विजुअल लाइट के वेवलेंथ के बराबर। इतनी बड़ी कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में मेजर की जा सकती हैं। तो अगर किसी वेव के प्योर वेवलेंथ की बात करें तो उसमें फिक्स्ड मोमेंटम होगा, लेकिन कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि वेव पूरे स्पेस में फैली हुई होगी, मतलब पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं पर भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टिकल का पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके मोमेंटम का कुछ पता नहीं होगा। बट क्यों? क्लासिकल फिजिक्स में तो पार्टिकल के मोमेंटम को पोजीशन के साथ बताया जा सकता है, तो क्वांटम फिजिक्स में क्यों नहीं? इसकी वजह है कि क्लासिकल फिजिक्स में पोजीशन और मोमेंटम दोनों पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें एक ही पिक्चर में डिफाइन किया जा सकता है। क्लासिकल फिजिक्स में पोजीशन बताता है कि पार्टिकल कहाँ है, वहीं मोमेंटम उस पार्टिकल के मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में पोजीशन तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, लेकिन मोमेंटम वेव की प्रॉपर्टी है। क्वांटम फिजिक्स में पोजीशन तो बताता है कि पार्टिकल कहाँ है, लेकिन मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी का मल्टीपल नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वेव के वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी ऑब्जेक्ट के दोनों पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ लाने के लिए हमें इन दोनों अलग अलग पिक्चर को मिक्स करना होगा। इसके लिए हमें एक ऐसी वेव चाहिए जो एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड हो, ताकि पोजीशन में अनसर्टेनिटी पूरे स्पेस के लिए ना होकर एक फिक्स्ड रीजन के लिए सर्टेन हो जाए। बट ये होगा कैसे? अगर हमारे पास एक वेव है तो उसका एक डेफिनेट मोमेंटम होगा, लेकिन अगर दो अलग अलग वेवलेंथ की वेव को कंबाइन कर दें
तो मोमेंटम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगी। बट ऐसा करने पर एक फ़ायदा ये होगा कि वेव के इंटरफेरेंस की वजह से जहाँ पर दो पीक्स या दो वैलीज मिलेंगी वहाँ एक ज़्यादा एम्पलीट्यूड का वेव बनेगा, और जहाँ एक पीक और एक वैली मिलेगी वहाँ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसा करने से हमें एक ऐसी वेव मिलेगी जिसमें वेव ऐसे रीजन से सेपरेटेड होंगे जहाँ कुछ भी ना हो। अगर और वेव को कंबाइन करते जाएं तो वेव एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड होती जाएगी और नथिंग वाला पोर्शन बड़ा होता जाएगा। सो फाइनली हमारे पास एक ऐसी वेव है जो एक स्मॉल रीजन में कन्फाइंड है, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है। बट ऐसा करने पर हुआ ये कि इतनी सारी वेव की वजह से मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। हम पोजीशन को और सर्टेन कर सकते हैं लेकिन फिर मोमेंटम उतनी ही अनसर्टेन होती चली जाएगी। यही क्वांटम ऑब्जेक्ट हैं जिनमें पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर होता है, और इसी बिहेवियर की वजह से इनमें अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। हम एक में अनसर्टेनिटी कम करने जाएं तो दूसरे में बढ़ जाएगी, और कभी भी इनकी अनसर्टेनिटी का मल्टीपल h^2 से कम नहीं हो पाता है। इस प्रिंसिपल को पहली बार हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था। बट दो सवाल अभी भी रह रहे हैं। फर्स्ट ये कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फिजिकल मतलब क्या है। एक्चुअली यह अनसर्टेनिटी क्वांटिटी के मेजरमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का एक्चुअल रिलेशन यह होता है, जहां सिग्मा पोजीशन और मोमेंटम के मेजरमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि यह रिलेशन कुछ ही फिजिकल टर्म्स के साथ क्यों है, मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी सिर्फ मोमेंटम के साथ ही क्यों, किसी और के साथ क्यों नहीं। वेल, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम क्वांटम अनसर्टेनिटी के नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।